हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शुद्ध शाकाहारी भोजन में। आज की रेसिपी एकदम ठंडी ठंडी से होने वाली है। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं एकदम ठंडी ठंडी लौकी का रायता। गर्मी का सीजन है, हर किसी को कुछ ठंडा ठंडा खाने की इच्छा होती है। आइसक्रीम हो गया, जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, क्यों ना हम घर में कुछ ठंडी ठंडी ऐसी चीज़ बनाएं जो हेल्दी भी हो और स्वादिष्ट भी हो। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने गोल लौकी लिया हुआ है एक बड़ी साइज में। सबसे पहले तो हम लौकी को छील करके धो चुके हैं और अब इसको हम काट रहे हैं। कुछ लोग इसको कद्दूकस करके भी बनाते हैं, वो भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम कभी हम उसे अपलोड कर देंगे, बट आज इसको हम काट करके बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। इस लौकी के रायते को आप खाने के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, अलग से चटनी के तरीके से इसको रायता को ले सकते हैं। आप रोटी खा रहे हैं या फिर रात में कोई डिनर कर रहे हैं, आप उसके साथ भी खा सकते हैं। या फिर ऐसे भी आप कुछ ठंडा खाने का मन हुआ तो इसको लेके आप कटोरी में खा सकते हैं या बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसको आप ज़रूर से बनाएं और खाइए, और पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। अब लौकी को हम कुकर में बॉईल करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करनी है, सिर्फ एक सीटी में हम इसको बॉईल करने वाले हैं। बॉईल करने के लिए हाफ कप यहाँ पे हम पानी डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं, हाफ कप पर्याप्त है। एक सीटी लगा के बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 7 लाल सूखी लाल मिर्च लिया है, 5 चम्मच पोस्तदाना, लाल मिर्च और 1 छोटी चम्मच जीरा। इन दोनों को भूज करके इसका जो मसाला हम तैयार करने वाले हैं वो मसाले जाएंगे रायता में। जैसे कि आप दही बड़ा में मसाले डालते हैं ना, लाल मिर्च और जीरा का और काले मिर्च का, बिल्कुल उसी प्रकार से इसको भी हम यूज़ करने वाले हैं। इसका फ्लेवर इतना अच्छा लगता है रायता में, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा और आपको खुद समझ में आएगा कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। पोस्तदाना हमने 5 बड़े चम्मच लिया है। ये किसी भी जनरल स्टोर पे बहुत आसानी से अवेलेबल हो सकता है, आप खरीद सकते हैं इस चीज़ को। पोस्तदाना को हम पीसने वाले हैं और पीस करके इसका पाउडर तैयार करेंगे। इसको भूज करके नहीं पीसना है, इसको ऐसे ही पीसना है, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। जीरा और लाल मिर्च को हमने भूज करके रख लिया है, अब इसको भी हम पीस करके इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। लौकी हमारी बॉइल हो चुकी है और अब हम कुकर को खोल देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं लौकी को। बहुत ज्यादा हमने इसको बॉईल नहीं किया है, हल्का हल्का सा बॉईल है ये। हल्का हल्का सा इसको हम मैश कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। चलिए, लौकी तो हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम रायता बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक कटोरा लिया हुआ है। अब इस कटोरे में सबसे पहले तो मेन चीज जाएगा, यानी इसमें हम दही डाल रहे हैं। दही हम 2 कप का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लौकी की जो साइज़ थी वो बड़ी साइज की लौकी थी, इसलिए यहाँ पे 2 कप दही की ज़रूरत पड़ रही है। दही का थोड़ा सा फेंट लेते हैं। इसके साथ ही स्वाद अनुसार नमक, यहाँ 1 चम्मच नमक हम डाल रहे हैं, मिला लेते हैं इसको। चीनी भी 1 चम्मच डाल देते हैं, खट्टा मीठा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा ये रायता। पोस्तदाना पाउडर है, इसको हमने पीस करके तैयार कर लिया है और ये भी अब इसमें जा रहा है। पोस्तदाना से आपका रायता जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, एक बार ज़रूर से इस चीज़ को ट्राई करिएगा। बार बार की कटोरी में लेके खाते रहेंगे, इतना ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगता है, दिन भर खाएंगे इसको, इतना अच्छा लगता है। एकदम ठंडी ठंडी फ्रीज में आप रख सकते हैं, 2-3 दिन आप इसको खा सकते हैं। ये हमारा जीरा और लाल मिर्च का पाउडर है जो हमने पीस करके तैयार किया हुआ है। ये इसमें एकदम बढ़िया सा मसाले वाला टेस्ट देने वाला है, तीखा भी, कुरकुरा भी, हर तरह का फ्लेवर आने वाला है इसमें से। चलिए, मसाले तो हो गए, सारी चीज़ें हमने मिला लिया है, अब हम लौकी डाल दे रहे हैं। और ये बिल्कुल लास्ट चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं, लौकी को डालना है, मिलाना है
और बस हमारे रायते बन करके तैयार हो जाएंगे और इसको फटाफट से निकाल के आप खा लीजिए। अगर आप लंच कर रहे हैं लंच में इसको ले लीजिए, डिनर कर रहे हैं डिनर में थोड़ा सा ले लीजिए, या फिर ब्रेकफास्ट करें ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, या फिर ऐसे भी मन करे कुछ खाने का ठंडा ठंडा था तो इसको लेके खाइए। इसको आप फ्रीज में रख के 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं ठंडी ठंडी। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो वीडियोस आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और प्लेलिस्ट पर विजिट करिए, आपको एक से एक रेसिपी उसमें मिलने वाली है। बाय।